तो ये वो कहानी है जब मैं कुछ यारों के साथ किसी चीज़ की तलाश में यहाँ से बहुत दूर गया। सो कम जॉइन मी ऑन दिस वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो ट्रैक ऑफ इंडिया, केदारकंठा। तो गाइज, आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं संकरी। संकरी से एक्चुअली हम लोग थोड़ा पहले ही रुके हुए हैं, 2-3 किलोमीटर। कोट गांव है ये जगह, एक विलेज है, और हमने यहाँ पे एक होम स्टे लिया हुआ है। ये वुडन होम स्टे आप देख सकते हैं, पूरा वुडन का बना हुआ है, देखो छत्ती वुडन है पूरी। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी फ्रेश स्नो यहाँ पे गिर चुकी है, टेम्परेचर जा चुका है माइनस में, और बहुत ही ज्यादा ठंड अब यहाँ हो चुकी है। हाँ, हमारे पूरे लाल हो गए, लाल। और मेरे लिए तो मैं बता नहीं सकता जितना टेम्परेचर डिफरेंस मुझे लग रहा है, 50 डिग्री से डायरेक्ट माइनस, तो बहुत ही टफ हो रहा है मेरे लिए तो। अरे साहब झूठे, देखो कच्चे पे मिल जा रहे हैं। एक लौंडा हमारा पूरा फेल हो चुका है, पूरे रास्ते ओकते हुआ आया है, वो जानते हो आप कौन हो सकता है, छोटू अपना उर्फ रणधीर। रणधीर पूरे रास्ते उसकी पोक निकली है बहुत बुरी वाली। तो अभी हम लोग ये प्लान किया है कि सुबह हम लोग 6 बजे निकलेंगे संकरी की तरफ, और वहां से हम अपना केदारकंठा का ट्रैक चालू करेंगे। और मेरे को लगता है कि स्नो बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। हम लोग अभी आपको सामने हमारे माउंटेन्स हैं उसका फ्रेश स्नो का अभी व्यू दिखाते हैं। एक लेटेस्ट अपडेट दिखाना चाहता हूँ, एक लौंडा हमारा दिल कैसे आया है ट्रैकिंग पे, ऐसे जाएगा ये अरे झूठ बोल रहे, कोई ठंड वंड ना हो, ये देखो छे में आ गया ट्रैकिंग, ठंड है ही नहीं फालतू के, तुम ठंड ठंड गा रहे हो वो तो बौकार मचा रहे। भाई इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये बस फुटेज, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनकी रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो नंगे पैर घूमने का अच्छे में वो, इनको कल सुबह का हम आपको इनका अपडेट देंगे, जो ये रास्ते पर उल्टियां करते हुए जाएंगे वो अपडेट हम कल देंगे। वो तो तुम्हें ना अभी थोड़ी देर बाद बताओ कैसे इनकी हालत बुरी होने वाली है। ये रहा हमारा होम स्टे, आज हम यहीं पे रहने वाले हैं। हमारे गोवा हाइकर्स ट्रैकर्स ने ऑर्गेनाइज किया है ट्रिप पूरा, और हम कल ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं। बट आज जो आए हैं ना, यहाँ पे पड़ रही है बारिश, और मेरे ठीक पीछे जो बर्फ़ गिरी हुई है ना, बहुत ख़तरनाक बर्फ़ गिरी हुई है। तो कल का ट्रैकिंग बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोट गांव। तो आज फ्रेश न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग का प्लान है केदारकंठा ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, तो अभी बस 1 घंटे बाद हम लोग संकरी के लिए निकल जाएंगे। देख सकते हैं पीछे फ्रेश स्नो फॉल हुआ हुआ है, दिखाइए स्नो, देखिए पीक्स पे, पीक्स पे बहुत हैवी स्नो हुआ है। जो कल गिरी थी शाम, जब हम इवनिंग में आ रहे थे तो बारिश पड़ रही थी और स्नो फॉल हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी हम लोगों को, तो हम काँप भी रहे थे, लिटरली शिवरिंग कर रहे थे। बट जो हमने जुगाड़ किया यहाँ पे होम स्टे में, 4-5-5-6 गद्दे ले लिए, नीचे बिछा लिए, ऊपर कर लिया, तो हमें ठंड का रात को एहसास नहीं हुआ। पर ठंड है, ऐसी गलन वाली ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। और फिर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर के लिए सॉरी, बट आपको ये चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब भी आप इस टाइप के लिए ट्रैक के लिए यहाँ आएंगे केदारकंठा, तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको बहुत अच्छी अरेंजमेंट मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये एक विलेज है और यहाँ पे बहुत ही कम होम स्टेज हैं, और सबकी जो बेड अरेंजमेंट है वो फ्लोर पे ही है मोस्टली। तो आप लोग अरेंज मोस्टली क्या है ही, फ्लोर पे ही एक गद्दा दिया जाएगा आपको, मैट्रेस टाइप का, वो भी फॉर्म वाला रहेगा, जिस पे आपकी बैक दर्द करेगी और एक ओढ़ने को दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप जानो आप। तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कपड़े वपड़े ज़्यादा लेके आओ और ओढ़ो, उसी को पहन के सो जाओ, कपड़े पहन के ही सो जाओ। और बेटर है कि एक अपना ब्लैंकेट जो है हमेशा लेके चलो, क्योंकि जहाँ यहाँ के जो ब्लैंकेट है, हो सकता है आप लोग कंफर्टेबल ना हो उसके साथ, तो अपना एक कम से कम एक ब्लैंकेट नहीं तो एक बेडशीट तो आप लेके ही आइए। और एक बोनस टिप ये है, अपने साथ जितना हो सके लगेज कम ले जाना केदारकंठा के लिए, क्योंकि ये मूल्स का ना चूतिया बनाएंगे आप लोगों को। मूल्स का लेंगे आपको, वैसे है रेंट 100 रुपये, ये आपकी फटी में देखेंगे तो 300-400 ऐसा मांगेंगे, तो इसलिए आप अपने हिसाब से जैसे रिकमेंड कर, जो नेसेसरी कपड़े हो पहन ही लेना, उसके बाद जो हो इक्का दुक्का ले जाना बस। और जो सबसे ठंड का ब्रह्मास्त्र क्या है पता है आप लोगों को,
कपड़े पहनो, उसके ऊपर रेनकोट डाल दो, सबसे तगड़ा ब्रह्मास्त्र। अगर आपके जैकेट फेल हो गए हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि ये सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप रेनकोट पहन लीजिए, तो आपका पानी भी नहीं जाएगा और हवा भी नहीं जाएगी। विंडशीटर का भी काम करेगा वो, और वार्मर का भी। सो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ही बेकार था इनका होम स्टे का, तो हम आ गए हैं यहाँ पे शॉप में। वहाँ शॉप में हमने अंडे वंडे ऑर्डर किए हैं, तो अभी अंडे वंडे खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम चाहते हैं पैकिंग करते हैं, उसके बाद सीधा हम मिलते हैं आपको संकरी। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड संकरी। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारकंठा की। अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। मैं खोया खुद को ढूंढ रहा हूँ, क्या थी मंजिल मेरी भूल चुका हूँ। देखिए गाइस कैसा कैसा रास्ता है, वहाँ से वो तो जा रहे हैं जोड़ा की तालाब। खुद को खुद से मुझ रास्ता है नहीं बनाना पड़ रहा था। मैं कितना ट्रैफिक जाम था, मैं सो स्टोरी बिगिंस हियर। हम लोग संकरी से ऊपर आ चुके हैं 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और अभी भी 2 किलोमीटर जूड़ा का तालाब बचा है। ज़्यादा टफ हाइक नहीं है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है और टेरेन बहुत ख़राब है, क्योंकि लास्ट दिन स्नो हुआ है और बारिश भी पड़ी है, तो पूरा टेरेन ख़राब हो चुका है। कीचड़ और के ऊपर से मूल्स और ट्रैकर्स का रास्ता एक ही है, सो ट्रैकिंग करने में बहुत डिफिकल्टी है। मूल्स आ जाते हैं अचानक से, आपको गिरा देंगे और फिर चटका देंगे। सो एडवाइजेबल है आप खुद ही अपना न्यू रूट बना लें, जैसे हम लोग इस वाले नए रूट से आ रहे हैं। देखिए नीचे हम अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, और जो मेन रूट है जिससे ट्रैकर्स आ रहे हैं वो पीछे वो रूट है, तो हम तो अपना अलग रूट बना लिए हैं भाई, हमारे बस की नहीं है वो कीचड़ वाले रूट से जाने का। आप तो जानते ही हो हम लौंडे हैं खुराफाती, तो नया रास्ता बना लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ नया रास्ता। तो आगे ऐसे आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको आगे मिलते हैं जोड़ा का तालाब। देखिए गाइस स्नो को पैर नज़ारा बहुत हैवी। तो गाइस अभी तक का क्या अपडेट है, हमने आधा डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, 1.5 किलोमीटर जोड़े यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, और हमने सबका पाद निकाल दिया है, बहुत हैवी। गाइड हमारा पीछे रह गया, उससे आगे हम चल रहे हैं। सो हाय गाइस, हाय अगेन, वी हैव रीच्ड टिल जूड़ा का तालाब, और अब 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जूड़ा का तालाब बचा हुआ है। अगर आप अभी तक आने में थक चुके हैं, फिलहाल हम तो नहीं थके हैं, अगर आप थक जाएं यहाँ तक आने में, तो देखिए इस तरीके के टी स्टॉल्स हर 1 किलोमीटर पे हैं। ये आपका लैंडमार्क का भी काम करेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि कितने किलोमीटर मार चुके हैं। तो ये लास्ट टी स्टॉल है, इसके बाद डायरेक्ट जूड़ा का तालाब आएगा, और यहाँ पर देखिए अगर आपको रुकना है यहाँ पे, अगर आप हार मान चुके हैं, वैसे तो मोटिवेटेड आइए, हार मानने का क्या ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, अभी आपको बी रोल में दिख जाएगा, और लोकेशन बहुत अच्छा है। ज़्यादा टेम्परेचर तो अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है हमारा, अभी कुछ भी ट्रैक पेंट और कोई भी इक्विपमेंट गीला नहीं हुआ है अभी तक। पर एक बोनस टिप यह है, आप जितनी जल्दी ट्रैक स्टार्ट करोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचिए और अपने कैंप साइट पर पहुँचिए, खा पी के रेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही जल्दी डाउन होता है, सनसेट बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो आपको अगर लेट निकलोगे तो बहुत आपके लिए जानते हो क्या प्रॉब्लम होगी। और पहाड़ों का मौसम आपको मालूम ही है, सुबह हम निकले थे तो सनराइज था और अच्छा सन व्यू आ रहा था, और उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, स्नो मेल्ट हो रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था चढ़ने। बट अभी टेम्परेचर जो है एकदम से डाउन हो गया है, और जहाँ तक है मेरे को लगता है शाम को पक्का स्नोफॉल होने वाला है। यहाँ का व्यू देख के तो ऐसे ही लगता है, देखो फ्रेश स्नो गिरी हुई है सारी पेड़ों पर, अगर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा देखो, अगर दिख पा रहा हो तो देखना, आपको सारी पेड़ों पे ना फ्रेश स्नो गिरी हुई है। थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक दम, चल घर चले मेरे हमदम। सो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड इन जोड़ा का तालाब,
ये हमारे ठीक पीछे जुड़ा का तालाब है। जुड़ा की तालाब की क्या हिस्ट्री है और उसकी हिस्ट्री के बारे में जो भी है वो हमारे गाइड भाई बताएंगे, सचिन भाई, जिनके थ्रू हम यहाँ पे आए, को हाइकर्स के जो ऑनर है वो सचिन भाई, आइए। तो ये है हमारे सचिन भाई, सचिन राणा फ्रॉम गोवा हाइकर एंड ऑनर सीईओ हाइकर। एंड जुड़ा का तालाब इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहले दो तालाब हुआ करते थे जो मतलब दोनों को तालाब के मिला के एक तालाब बन गया, उसका नाम इसलिए इसका जुड़ा का तालाब बोलते हैं। चलिए सचिन भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम लोग आते रहेंगे। धन्यवाद आपका। ट्रिप कैसे ऑर्गेनाइज करी सचिन भाई ने? बढ़िया, इन्होंने अरेंजमेंट कराया है सारा, सब कुछ सेटअप पर्सनली इन्होंने अपना देखा है हम लोगों के लिए, खाना रहना सब बहुत बढ़िया है। और अभी हम लोग जुड़ा के तालाब पहुंच चुके हैं और अभी हमें 2 किलोमीटर यहाँ से और ऊपर जाना है जो कि है केदारकंठा का बेस कैंप। 3 किलोमीटर है जैसे भैया बता रहे हैं। और मौसम देखो कितना खराब हो गया, 2 या 3 घंटे लग जाएंगे जैसे सस्ते हमारी स्पीड चल रही है। और मौसम देख लीजिए आप, हो सकता है स्नोफॉल हो सकता है, 80% चांस है स्नोफॉल। तो आगे भी आते रहेंगे हम भैया के साथ, जब भी आएंगे हम उत्तराखंड हमेशा इनसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे और आप लोगों से भी हम लोग बोलते हैं कि कभी भी आप यहाँ केदारकंठा के ट्रैक पे आए तो हम लोग नंबर जो है भैया का, सचिन भाई का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ये देंगे ऐसा इनका कहना है और ये ऐसा करके भी दिखाते हैं, ये हम देख चुके हैं आगे। सो थैंक यू सो मच सचिन भाई। हाँ, आगे भी अभी हम लोग सर आपका, और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा ट्रिप करवाऊँ, जो जितना मेरे से हो सके मैं उतना कोशिश करूँगा कि आपका अच्छे से अच्छा हो। और एडिशनल डिटेल ये है कि सिर्फ केदारकंठा का ट्रैक नहीं कराते हैं, बाकी के भी ट्रैक यहाँ के जो आसपास नियर बाय हैं वो सारे ये मैनेज कर लेते हैं। तो आपका कभी भी प्लान बनता है तो आप सचिन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में। सो अब हम निकलते हैं आगे की तरफ, सो मिलते हैं ऊपर। देखो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जोड़ा के तालाब में। देखो अभी आपने देखा था बिल्कुल मौसम ठीक था और अभी देखो तुरंत स्नोफॉल होने लगा, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। अब हमारी हालत खराब होने वाली है पूरे रास्ते। सचिन भाई का प्रिडिक्शन पूरा सही हुआ है, सचिन भाई का प्रिडिक्शन पूरा सही हुआ है, पूरा प्रिडिक्शन तुरंत। हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं जुड़ा का तालाब और अपने हम कैंप में रुक गए हैं आके। अभी यहाँ पे हमारा 1 या 1.5 घंटे का रेस्ट रहेगा और यहीं पे हमारा लंच मिलेगा, उसके बाद अभी यहाँ से हम दोबारा आगे जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है केदारकंठा बेस कैंप है, जो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर अभी भी बचा है। यहाँ तक की हमारी हालत थोड़ी अब डाउन हो चुकी है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं किटकैट। अगर आप लंच अभी आना बाकी है तो लंच का इंतजार चल रहा है, और पॉसिबल हो तो स्निकर्स अपना घर से ही लेके आए, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं, यहाँ की व्यवस्था पूरी भंग है, खेल है सारा मामला।